देश के चैप्टर में आज है आपका 79 यानी 79वां दिन, 79 बोलते हैं हिंदी में। चलिए हिंदी से क्या मतलब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ठीक है। अब 5 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है जिसके अंतर्गत आप पढ़ने चल रहे हैं आज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की उत्पत्ति तो होती है भैया नेगेटिव सेंटेंस से ठीक, लेकिन स्ट्रक्चर की सुविधा आप ले सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। तो अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर आपको याद है वीडियो आपके पास है तो उसमें क्या बढ़ा दीजिए, देखिए 3 एसो टाइप है तो आप नहीं सबको बढ़ा दीजिए यहाँ पर, और 3 डब्ल्यू एस टाइप है तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ शॉर्ट कर दिया गया है वहां फुल फॉर्म में लिखा गया था, यहाँ पर नहीं सबको बढ़ा दीजिए, हो गया स्ट्रक्चर डन हो गया। अब क्या करिए कि इंग्लिश में सब्जेक्ट की बात आप बढ़ा दीजिए, ये देखिए कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर ले लीजिए, लेकिन सेंटेंस की जो उत्पत्ति होती है किससे होती है निगेटिव से, इसका ध्यान देना है, इसीलिए हम एग्जाम्पल पढ़ा जाते हैं ठीक है। चले भाई विद्यालय नहीं जा रहा था, ये देखिए क्या मोहन कई दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा था, ये वाले स्ट्रक्चर में है तो मैच करा लीजिए। तो क्या करेंगे आप इंग्लिश का फर्स्ट मिलेगा भैया, इंग्लिश का कौन सा मिलेगा फर्स्ट मिलेगा, तो इंग्लिश का फर्स्ट नहीं जा रहा था क्या करिए आप हाइड कर दीजिए ठीक है ना, हाइड मोहन कर दीजिए, उसके बाद नॉट कर दीजिए, उसके बाद बीइंग और यहाँ पर इंग गोइंग कर दीजिए, गोइंग टू स्कूल या कॉलेज में से कोई भी लिख दीजिए। तो हाइड मोहन नॉट बीइंग गोइंग टू स्कूल कब से कई दिनों से फॉर मेनी डेज कर दीजिए। अब चलिए फॉर मेनी डेज कर दिया, इसको अगर आप डब्ल्यू एच टाइम में बदलना चाहते हैं ठीक है ना, डब्ल्यू एच टाइम में तो आप क्या कर दीजिए यहां से क्या हटा दीजिए, क्या हटा दीजिए और यहां पर क्यों नहीं, क्या करिए क्यों नहीं का उपयोग कर दीजिए। तो चलिए हमने यहां क्यों लगा दिया, तो क्यों नहीं जा रहा था ये वाला स्ट्रक्चर चला है यहाँ पर, देखिए क्यों नहीं जा रहा था। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर भैया वाई हेड कर देंगे, क्या कर देंगे वाई वाई हेड कर दीजिए सिंपली, और कुछ नहीं करना है आपको। अब चलिए अब यहाँ पर और एक बन सकता है कि मोहन कितने दिनों से, हम क्या करते हैं यहां पर इसको मिटा देते हैं ठीक है ना। चलिए फिर से यहां हम लिखते हैं बन सकता है कि मोहन कितने यहां पर अरे दिन को ही जानने के लिए इसी को जानने के लिए कितने शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो मोहन कितने दिनों आप यहां क्या कर लो कितने दिनों कर दो, मोहन कितने दिनों से ठीक ना विद्यालय नहीं जा रहा था, ये देखिए तो स्ट्रक्चर आपको कौन मिला यहां पर मोहन कितने दिनों से विद्यालय ठीक ना जी, यहाँ कितने दिनों आ गया, समय ही जानना है हमको, जब समय ही जानना है तो समय हट जाएगा, यहाँ कितने दिन हो जाएगा
नहीं जा रहा था, हो गया कि नहीं हो गया। तो अब क्या करो, अब कितने दिनों की इंग्लिश लिख लो, तो कितने दिनों की इंग्लिश हो जाएगी, क्या दी, हाउ मेनी डेज हो जाएगा, हाउ मेनी डेज, उसके बाद हैड, उसके बाद मोहन, ठीक है ना, मोहन नॉट बीन गोइंग, ठीक है, टू स्कूल, ठीक है ना, बस हो गया। हाउ मेनी डेज हैड मोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो स्ट्रक्चर तो समझ तो गया, अब हम इसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां देखिए, क्या बच्चा सोया नहीं था, क्या बच्चा नहीं सोया था, ये नहीं सोया नहीं था, नहीं सोने की मुद्रा में ये नहीं यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, या आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सोना एक शब्द वाली क्रिया है, तो ये तो इसको के हिंदी की बात है, क्या बच्चा नहीं सोया था, क्या बच्चा नहीं सोया था, सही हिंदी यही होगी, सोया था, ये देखिए, तो क्या बच्चा नहीं सोया था, सही हिंदी हुई, यहाँ पर है हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैड द चाइल्ड, ठीक है जी, Not been sleeping, क्या हो जाएगा, Not been sleeping, ये हो गया, Had the child not been sleeping, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये समय यहां नहीं लगा, एक मिस्टेक हुआ, तो ये इसका ट्रांसलेशन हम इसमें नहीं कर सकते हैं, ये ट्रांसलेशन किसमें होगा, ये ट्रांसलेशन होगा किसमें, ये ट्रांसलेशन होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, क्या बच्चा नहीं सोया था, तो क्या बच्चा नहीं सोया था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाज द चाइल्ड, उसके बाद नॉट स्लीपिंग, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में, क्यों, क्योंकि इसमें हमने समय दिया ही नहीं, समय नहीं दिया, तो इसका ध्यान देना है, जैसा कि अभी मिस्टेक हुआ, तो वाज द चाइल्ड नॉट स्लीपिंग, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब क्या बच्चा, ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर हम जोड़ देते हैं, इसको दोबारा हम बनाते हैं, रीराइट करते हैं, क्या बच्चा आधी रात, क्या बच्चा आधी रात से नहीं सोया था। अब देखिए यह सेंटेंस समय जुड़ते ही चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो यही चीज पकड़ना है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड द चाइल्ड हो गया, चलिए हो गया हैड द चाइल्ड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या हो गया, स्लीपिंग हो गया, बोलिए स्लीपिंग हो गया, तो हैड द चाइल्ड नॉट बीन स्लीपिंग, कब से भैया, कब से, सिंस आई एम लीव फ्रॉम आधी रात से, तो आधी रात की इंग्लिश क्या हो जाएगी, देखिए मिडनाइट, क्या हो जाएगी, तो मिड नाइट होगी, तो मिड नाइट लिख दीजिए, ये हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करिए कि बच्चा आधी रात से क्यों नहीं सोया था, बच्चा आधी रात से क्यों नहीं सोया था, इस वाले वाक्य में, नीचे वाले में, परफेक्ट वाले में यहाँ क्या कर दीजिए, क्यों, बच्चा आधी रात से क्यों नहीं सोया था, तो ये स्ट्रक्चर आपका यहाँ चलाएगा, फिट बन जाएगा। तो क्यों नहीं सोया था, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हैड कर दोगे, यहाँ पर वाई लगा दोगे,
सिंस आर फ्रॉम हेली मिडनाइट, तो डन हो गया। अब एक स्ट्रक्चर ये बच रहा है थर्ड वाला, ठीक है जी। चलिए तो थर्ड वाला स्ट्रक्चर का भी हम एग्जांपल दे करके फिनिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ठीक ना, क्या हुआ जीवन भर, क्या हुआ जीवन भर झूठ नहीं बोलता रहा या रहा था, ये हो गया। चाहे रहा लिखिए या रहा था, अन्यथा था थी क्यों हमने ब्रैकेट में कर दिया, आप समझ गए होंगे। तो क्या हुआ जीवन भर झूठ नहीं बोलता रहा रहा था। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं भाई, सीधा सीधा हैड कर दिए, हैड ही नॉट बीन अप टेलिंग, हैड ही नॉट बीन टेलिंग लाइज, हैड कर दिया लाइज। और उसके बाद फॉर और हीज लाइव कर दिया, ओके। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि टाइम हटा देते हैं, क्या करते हैं टाइम हटा देते हैं। तो टाइम हटा देते हैं, तो टाइम हटा दो, यहां से टाइम हटा दिया, जीवन भर हटा दिया, क्या हुआ झूठ नहीं बोलता रहा या रहा था, ध्यान देना। तो अब यहां से हम इसको हटा देंगे तो महाकाल इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, वह कब से झूठ बोल रहा, वह कब तक झूठ बोलता रहा, देखो वह कब तक झूठ बोलता रहा, वह कब तक झूठ, एक मिनट, निगेटिव है ना, इंटरवेटिव निगेटिव है, इंटरवेटिव निगेटिव है, तो यहाँ इसी में बनाओ, वह झूठ जीवन भर झूठ क्यों बोलता रहा, ऐसे बनाओ, वह जीवन भर झूठ क्यों, वह जीवन भर झूठ क्यों बोलता रहा, आवलिक रहा था, वह जीवन भर झूठ क्यों बोलता रहा है, आवलिक रहा था, अरे वह जीवन भर, यहां पर निगेटिव वर्ड देना है, वह जीवन भर झूठ क्यों नहीं, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ थोड़ा मामला फंस गया, रुक जाइए, ध्यान नहीं दिया, हम सुधार देते हैं, इंटरवेटिव निगेटिव हम चेंज कर देते हैं, वह जीवन भर हाँ, वह जीवन भर सत्य क्यों नहीं वह जीवन भर सत्य क्यों नहीं बोलता रहा या रहा था, ये बात सही है। ऊपर वाला थोड़ा सा भाव उसका बढ़िया नहीं था, इसलिए मैं हटा दिया, ठीक है ना। तो सेंसफुल सेंटेंस होना चाहिए, वह जीवन भर सत्य क्यों नहीं बोलता रहा या रहा था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वाई का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद वाई हैड ही, उसके बाद नॉट
स्पीकिंग, ठीक है ना, द ट्रूथ हो जाएगा, स्पीकिंग द ट्रूथ। और जीवन भर की इंग्लिश जानते ही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फॉर ऑल हिज लाइफ हो गया कि नहीं। अब देखिए इसमें से अगर समय हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है ना, वह यहां से हटा लीजिए, वह जीवन भर केवल लिख दीजिए कि वह सत्य क्यों नहीं बोलता रहा या रहा था, तो जीवन भर हटा दीजिए, तो जीवन भर हटा देंगे यहां से हट जाएगा, तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यहां लग जाएगा, कहां लग जाएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यहां लग जाएगा। इस तरह से चलो भैया पांच परफेक्ट कंटिन्यूअस फिनिश हुआ। अब टेंस में केवल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रह गया है, नहीं? और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चार क्लास और ले लेंगे, उसके बाद टेंस फिनिश हो जाएगा। टेंस के बाद स्पेशल रूल्स चालू होंगे, फिर स्पेशल स्ट्रक्चर चालू होंगे, पढ़ाने के लिए भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। देखिए ये भाषा विज्ञान है, यथा सागर है, लेकिन मैंने एक प्रोजेक्ट जरूर बनाया है, एक यानी उसको मैं सीमाओं में बांधा हूँ, लिमिटेड किया हूँ कि क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो नहीं पढ़ना चाहिए तो नहीं पढ़ाऊंगा उसको, जो पढ़ना चाहिए उसको मैं गुथ दिया हूँ, एकदम फूलों की माला की तरह, मणियों की माला की तरह, उसी क्रम में मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, आप चुपचाप पढ़ते चले जाइए, ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, ठीक ना। थोड़ा समय आपके पास है, साल डेढ़ साल दो साल का समय है तो चुपचाप पढ़िए, नहीं चार छः महीने का समय बचा है तो मत पढ़िए और किसी का देख लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल पकड़ने पर चार छः महीने में तैयारी नहीं कर पाओगे आप, ठीक ना। कंप्लीट तैयारी करना है तो आपको साल डेढ़ साल दो साल का समय देना पड़ेगा, तब जाके आप लाइन में, जब डेढ़ साल दो साल लग जा रहा है तो ये तो वहाँ लाइन की बात है, तो इस चीज़ को आप समझिए, बच्चों का खेल नहीं है। और सफलता कोई साफ तरीका नहीं होता है, यूट्यूब पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, करे लो हमसे क्या लेना देना है, ठीक ना जी भैया, हम रियल पर्सन है, रियल टीचर है, और रियल स्टेटमेंट देते हैं, पसंद आए तो पढ़ो, ना पसंद आए मत पढ़ो, सब्सक्राइब भी किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।